सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है, वो बकायदा वीडियो वायरल है जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहां सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है, और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है आज किसी संस्था में, जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आप